स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। हम पिछले लेक्चर में परमाणु ऑर्बिटल और उसके प्रकारों को पढ़ चुके हैं, साथ ही हमने एक महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं, जो कि श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। हम श्रोडिंगर की तरंग समीकरण को भी पढ़ चुके हैं और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं उसे पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, देखिए श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण थी इस प्रकार से लिखी थी ना, ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस ए पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू जीरो। ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण थी, मैंने आपको कहा था कि आप बड़ी क्लासों में ये सब मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो देखिए इस समीकरण से तीन हल प्राप्त हुए, तीन सॉल्यूशन मिले, माने तीन हल प्राप्त हुए इसके। इन तीन हल की सहायता से किसी परमाणु में, देखिए बहुत सारे परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, माने परमाणु में विभिन्न परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, विभिन्न परमाणु कक्षक जिन्हें हम ऑर्बिटल बोलते हैं, वो होते हैं। तो विभिन्न किसी भी परमाणु में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा, उनका आकार, आकृति और अभिविन्यास जिसे इंग्लिश में हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, ये सब बताया जा सकता था। अर्थात श्रोडिंगर की इस तरंग समीकरण की सहायता से तीन हल प्राप्त हुए। उन तीन हल की सहायता से किसी परमाणु में उपस्थित जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु कक्षक ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा के बारे में, आकार आकृति के बारे में और अभिविन्यास के बारे में बताया जा सकता है। इन तीन हल को ही हम क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। अर्थात तीन प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं जो हमें परमाणु कक्षकों के आकार, ऊर्जा या अभिविन्यास का ज्ञान कराती हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि हमने तो क्वांटम संख्याएं चार सुनी है, तो होती चार हैं, लेकिन श्रोडिंगर द्वारा जो तरंग समीकरण से हमें प्राप्त हुए थे तीन हल, उसके आधार पर क्वांटम संख्याएं तीन हैं जिनसे इन चीजों का पता चलता है। अर्थात ऊर्जा, आकार, आकृति एक ही बात है और अभिविन्यास एक तीसरी बात है। लेकिन फिर चौथी क्वांटम संख्या कौन सी है? देखिए बाद में 1925 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज उलहेनबेक और एक थे सैमुअल गाउटकास्ट। उन दोनों वैज्ञानिकों ने एक चौथी क्वांटम संख्या को बताया था, इसलिए बाद में चौथी क्वांटम संख्या जोड़ी गई है। क्वांटम संख्या पहले तीन ही होती थी, लेकिन अब कितनी होती है? चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो उन चार क्वांटम संख्याओं को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त वो तीन हल जो परमाणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु कक्षकों की ऊर्जा, आकार, आकृति या अभिविन्यास के बारे में बताते हैं, या ये कह लें किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति, बिल्कुल ठीक ठीक स्थिति को जिन संख्याओं के द्वारा बताया जा सकता है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यहां पर एक शब्द आ रहा है ऊर्जा, आप समझते होंगे ऊर्जा का मतलब, तो आकार आकृति का मतलब भी समझते हैं। अभिविन्यास जो एक शब्द आ रहा है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कह रहे हैं ना परमाणु कक्षक के अभिविन्यास का ज्ञान होता है। तो अभिविन्यास से मतलब होता है जैसे मान लीजिए पीयूफ कोष है, तो पीयूफ कोष में भी तीन ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। तो अभिविन्यास का मतलब है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो पीएक्स वाला है, माने एक्स एक्स के अनुदिश बना हुआ वाला है, जैसे एक्स वाला ऐसे बनता है ना। अब पी को तो आप नॉर्मली डम्बलाकार कहते ही हो, तो पीएक्स का मतलब हो गया कि वो एक्स एक्स के अनुदिश डम्बल बना है, पीवाई का मतलब हो गया कि वो वाई एक्स के अनुदिश बना है। तो अभिविन्यास से मतलब होता है कि वो जो ऑर्बिटल है वो किस अक्ष के अनुदिश बना हुआ है, अर्थात ये बताना, अभिविन्यास बताना होता है। तो क्वांटम संख्याओं की सहायता से पता चलता है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज का लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुनना है। मैं इनकी परिभाषाएं भी आपको लिखाऊंगा, तो बोर्ड पर लिखूंगा, तो वो आपको अपनी कॉपी पर लिखते जाना है जिससे हमारे बेहतर नोट्स बने। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वांटम संख्याओं की परिभाषा लिखी है, तो एक बार परिभाषा के हिसाब से देखते हैं क्वांटम संख्या को। श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त तीन हल अर्थात तीन ऐसी संख्याएं
जो परमाणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा आकार आकृति व अभिविन्यास का ज्ञान कराती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इनकी सहायता से परमाणु कक्षकों में अंतर भी किया जा सकता है। तो देखिए, अभी मैं आपको पहले बता ही रहा था, सामान्यतः आप ये समझिए कि परमाणु के अंदर बहुत सारे परमाणु कक्षक हो सकते हैं, उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी आपस में, उनके आकार आकृति कैसी होगी, उनका अभिविन्यास कैसा होगा, अर्थात जैसे डी है तो डी में भी आपने देखा होगा डी कोश में 5 कक्षक होते हैं, तो वो कौन सी अक्ष के अनुदेश होगी, जैसे डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स, माने उनमें भी कौन सा है, तो उसे अभिविन्यास बताना कहते हैं। अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित बहुत से जो परमाणु कक्षक संभव है उनकी ऊर्जा आकृति आकार या अभिविन्यास के बारे में जो संख्याएं हमें बताएंगी उन्हें हम क्वांटम संख्या कहेंगे। इनकी सहायता से हम उन परमाणु कक्षकों में आपस में अंतर भी कर सकते हैं, अर्थात उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। वही हम कह सकते हैं कि इस परमाणु कक्षक की ऊर्जा ज्यादा या कम है, और इसके लिए देखिए अभी आगे एन प्लस एल नियम भी आएगा। आपने जिन बच्चों ने थोड़ा आगे पढ़ लिया होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जान गए होंगे, तो वहां ऊर्जा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब तो वो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का जो ज्ञान हमें हुआ है वो इनकी सहायता से हुआ है। तो मैं इस पॉइंट को देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कनेक्ट करेंगे। क्वांटम संख्याएं कोई ऐसी आसमान से नहीं उतर आई है, क्वांटम संख्याएं श्रोडिंगर तरंग समीकरण से आई है। तो बहुत सारे बच्चे और टीचर इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है या श्रोडिंगर का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है वो क्या है। तो बड़ा सिस्टमेटिक है, देखिए मैंने जब जितने भी लेक्चर अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सिस्टमेटिक लेक्चर है। हर लेक्चर के बाद में आप देखेंगे कि पहले वाला लेक्चर रिलेट करता है। ये डेफिनेशन ये भी हो सकती है, किसी परमाणु में आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कंफर्म है कि नाभिक में ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, उपकोष के भी किस परमाणु कक्षक में है, क्या उनकी दिशा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की परमाणु के अंदर वास्तविक स्थिति कैसी है, इसका जो ज्ञान कराती है उनको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो लिखा देखिए, अर्थात करके वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति का मतलब यह है कि देखिए जैसे परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो कन्फर्म उनकी स्थिति तो हमें कन्फर्म, लेकिन नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में उपकोष होते हैं, उपकोष में परमाणु कक्षक होते हैं, तब जाके परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, किस परमाणु कक्षक में है उपकोष के भी, इन सब बातों का जो ज्ञान करा है उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। तो यहां पर मैंने पूरी आपको डेफिनेशन लिखी है। फिर देखिए क्या लिखा है, जो क्वांटम संख्याएं हैं वो मैंने अभी तीन प्रकार की लिखी है, क्योंकि श्रोडिंगर ने यही तीन क्वांटम संख्याएं बताई थी, क्योंकि यही तीन सॉल्यूशन थे उस श्रोडिंगर तरंग समीकरण के। मैं बार बार इस बात को पॉइंट कर रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से बिल्कुल क्लियर आपको रहना चाहिए। तो वो कौन सी तीन क्वांटम संख्या है, पहली को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्मॉल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरी होती है दिगंसी क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसका कई बार हिंदी उच्चारण भी आ जाता है कि एजीमुथल क्वांटम संख्या की परिभाषा लिखने के लिए आ जाती है, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे इंग्लिश में आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों की परिभाषाएं अभी हमने आगे पढ़नी है, तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि श्रोडिंगर के जो तीन हल थे वो ये तीन क्वांटम संख्याएं थी। इसके बाद 1925 में दो साइंटिस्ट हैं, देखिए एक है जॉर्ज उल्हेनबेक और एक है सैमुअल गाउटस्मिट। इन दोनों साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति में एक टर्म और जोड़ा, माने इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है, जो घूर्णन होता है, वो दक्षिणावर्त भी संभव है, वामावर्त भी संभव है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन भी करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो उसकी दिशा बताने के लिए एक और क्वांटम संख्या इनमें ऐड की गई, जिसे हम कहते हैं चौथी क्वांटम संख्या, और उसे हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखेंगे इंग्लिश में इसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये चार क्वांटम संख्याएं हैं, अर्थात ये बाद वाली जो क्वांटम संख्या है चक्रण वाली, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने इस सेट में ऐड की है, इन तीन क्वांटम संख्याओं के साथ इसको चौथी को रखा है।
तो उसके बाद ये बात आई 1925 के बाद कि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति बताने के लिए किसी परमाणु में ये चार क्वांटम संख्याएं आपकी मदद करती हैं, अर्थात ये चार संख्याएं मदद करती हैं, इसलिए इनको क्वांटम संख्या बोलते हैं। और क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम इनके प्रकारों में एक एक करके इनकी परिभाषा और ये कैसे ऊर्जा, आकार, आकृति, अभिविन्यास और दिशा का ज्ञान कराती है, सब पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, एकाग्रता के साथ आपको इसको समझना है। तो बात करते हैं एक एक करके क्वांटम संख्याओं। देखिए, बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमारी पहली क्वांटम संख्या है। तो आप देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं और स्मॉल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो हम तीन मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस कक्षा में है इस बात का ज्ञान कराती है, अर्थात इनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान होगा। इन्हें हम क्वांटम संख्याएं माने मुख्य क्वांटम संख्या बोलेंगे। इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से हमें परमाणु में किसी भी कक्षा की ऊर्जा का ज्ञान होता है। देखिए कैसे। तो पहला पॉइंट लिखा है वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष अर्थात कक्षा का ज्ञान कराती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है एन इक्वल टू, अगर वन है तो कोस उसको हम के कहेंगे, माने के कक्षा है। जैसे नील बोर में आया था ना ये अक्षर के एलिमेंट, अगर एन का मान दो है तो एल कोस होगा, एन का मान तीन है तो एम होगा, एन का मान चार है तो एन, या हम कह सकते हैं एन का मान एक होगा तो पहली कक्षा है, दो होगा तो दूसरी कक्षा है, तीन है तो तीसरी कक्षा है, चार है तो चौथी कक्षा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये नाभिक है जिसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये मान लीजिए एन इक्वल टू वन है तो इसको हम के कोस कहेंगे। अगर मान लीजिए क्वांटम संख्या n का मान 2 आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, l कोस है। अगर n का मान 3 आ रहा है तो हम कहेंगे ये m कोस है। ऐसी n का मान अगर 4 आ रहा है तो हम कहेंगे n कोस है। ऐसे करके क्वांटम संख्याओं के मान बढ़ते जाएंगे और हम इन्हें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या k एलिमेंट ऐसे ऐसे करके अंग्रेजी के अक्षरों में कोस कहते जाएंगे। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही है कि इस क्वांटम संख्या का जो मान है वो पूर्णांक होता है और एक से शुरू होता है, अनंत तक ये कक्षाएं संभव हैं। अभी तक ये सात तक ही हम लिखते हैं। तो देखिए, जो पहली इसकी परिभाषा है वो ये कहती है कि जिन क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान हो, कि माने इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन सी कक्षा में है, उन्हें हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए n का मान 2 आ रहा है तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, अर्थात l कक्षा में है। बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। बात करें अगर हम दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट के आधार पर इन संख्याओं की परिभाषा है वे क्वांटम संख्याएं जो किसी कोष की ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं, अर्थात किसी कक्षा की ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं। क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला हमने नील बोर में भी देखा था कि En का जो फॉर्मूला था वो ये था कि nवी कक्षा की ऊर्जा, अर्थात किसी भी कक्षा की ऊर्जा का -1312/n² किलो जूल पर मोल। तो आप अगर देखिए एन का मान यदि एक लेते हैं तो E1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा -13/1² किलो जूल मोल इनवर्स, माने इतने किलो जूल हो जाएगी। अगर आप n का मान 2 ले लें तो यहाँ 2 का स्क्वायर जो भी आएगा डिवाइड करके, n का मान 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर, अर्थात किसी भी कक्षा की आप ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की परिभाषा को लेकर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है वे क्वांटम संख्याएं जो किसी कोष अर्थात कक्षा की त्रिज्या अर्थात आकार का ज्ञान कराती है, उन्हें हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। हमने बोर परमाणु मॉडल से सीखा भी था कि nवी कक्षा की त्रिज्या, अर्थात किसी भी कक्षा की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है 0.529 n² / z, और ये एंगस्ट्रॉम में यहां से त्रिज्या आएगी। और यहां पर n क्या है, कक्षा की संख्या है, कोष की संख्या है, और z क्या है, जिस परमाणु की कक्षा की हम त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। जैसे बात करें अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है, और अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो इस वाले n का मान एक रखेंगे तो z का मान एक हो जाएगा, n का मान एक हो जाएगा। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक, अगर हम बात सोडियम के लिए करें तो सोडियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11, और अगर उसकी दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो n का मान कितना ले लेंगे, 2, तो ये हो जाएगा R2, और यहाँ आएगा 0.529 × 2² / 11, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये सब किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अर्थात सोडियम परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी परमाणु की त्रिज्या को, किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा की त्रिज्या अर्थात आकार ज्ञात किया जा सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं तीन बातें जो मैंने अभी पहले कही,
वे संख्याएं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान होता है, वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु में कक्षा की ऊर्जा का ज्ञान होता है, वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु में कक्षा की त्रिज्या अर्थात आकार का ज्ञान होता है, उन्हें हम मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। स्मॉल एन से इनको प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, ये सब आपको मैंने फॉर्मूले से समझा दिया, ये जरूर आप नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं दूसरी क्वांटम संख्या की, जिसे हम कहते हैं दिगंसी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसमें देखिए, ये कई बार ना जो इंग्लिश का वर्ड है ये हिंदी में भी इसके उच्चारण से आ जाता है, कि एजीमुथल क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, तो एजीमुथल आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसके लिए भी इसमें तीन चार पॉइंट है, मैंने पहले अभी दो पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। तो पहला पॉइंट ये है, माने दिगंसी क्वांटम संख्या क्या बताती है, ये वे क्वांटम संख्याएं हैं जो आपको किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है इसका ज्ञान कराती है। अर्थात पहले वाली तो बता रही थी कोष को कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, ये बताती है कोष के भी किस उपकोष में है इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान कराती है, उन्हें हम दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरे बिंदु में ये बताती है किसी कोष में कितने उपकोष संभव है, अर्थात कोष में उपकोषों की संख्या को बताती है। तो लिखा है देखिए, पहला पॉइंट वे क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान कराती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उपकोष आपको बताए थे मैंने पहले वाले लेक्चर में कितने प्रकार के होते हैं, चार, एस पी डी और एफ, कि इलेक्ट्रॉन एस में है या पी में है या डी में है या एफ में, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है इस बात का ज्ञान कराती है, उन्हें हम दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। या ये वे संख्याएं हैं जो किसी कोष में उपकोषों की संख्या का ज्ञान कराती है, अर्थात किस उपकोष में किस कक्षा में कितने उपकोष होते हैं, अर्थात किस कक्षा में कितने सेक्शन है। जैसे आपके स्कूल में कक्षा में सेक्शन होते हैं ना, तो वहां तो आप अपने छात्र संख्या के हिसाब से बनाते हैं कितने स्टूडेंट हैं ए बी सी डी करके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ये क्वांटम संख्याएं बताएंगी कि किसी कक्षा में कितने उपकोष होंगे। तो हमें पहले इन दोनों परिभाषा की, इन दो बिंदुओं के आधार पर पहले इनको समझते हैं, इसके बाद दो बिंदु और हैं उनको मैं बाद में लिखता हूँ दिगंसी क्वांटम संख्या की परिभाषा की। चार बिंदु है समझाने के लिए, अर्थात चार बिंदुओं के आधार पर आप इसे परिभाषित करते हैं, उनमें से दो बिंदु ये हैं, इन दो बिंदुओं को समझते हैं। तो देखेंगे आप इसमें एक चीज, आप देखिए मैं अभी नोट कर दूंगा, जो दिगंसी क्वांटम संख्या का मान होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, अर्थात आप दिगंसी क्वांटम संख्या को तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या होगी। भाई देखिए अभी तो हम कह रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान होता है, तो उपकोष का ज्ञान तभी तो होगा जब आपको कक्षा का ज्ञान होगा। तो ये पॉइंट यहां पर है, इस क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर मान पर निर्भर करता है, तथा इसके मान L बराबर 0 से लेकर L बराबर m माइनस 1 तक होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो दिगंसी क्वांटम संख्या है उसका जो मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। अभी जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि आपके पास यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान नहीं है तो आप दिगंसी क्वांटम संख्या का मान नहीं बता सकते, अर्थात आपको इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ही नहीं पता तो उसके उपकोष को नहीं बता सकते। अब मान लीजिए ऐसे समझो ना, अगर मैं आप कहूं कि कोई बालक बी सेक्शन में पढ़ता है, तो भाई आप ये तो पूछेंगे कौन सी कक्षा के बी सेक्शन में। तो इसी प्रकार से यहाँ ये होता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष को तभी पता कर सकते हैं जब आपको उसकी कक्षा का पता हो, अर्थात दिगंसी क्वांटम संख्या का मान तभी ज्ञात किया जा सकता है जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता हो। इसलिए कहते हैं कि दिगंसी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, और इसके जो मान होते हैं वो एल बराबर जीरो से लेकर एल बराबर एन माइनस वन तक होते हैं। इसका क्या मतलब है, इन दोनों बिंदुओं को मैं देखिए बताता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं एन और यहां लिखता हूं एल। देखिए एन का मान कम से कम एक से स्टार्ट होता है, तो जो एल का मान आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, ये फॉर्मूला देखिए लिखा है एल बराबर एन माइनस वन से आएगा। तो जब आप इस वन को यहां रखेंगे तो वन माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो एल का मान कितना हो गया, जीरो।
भाई एक माइनस एक जीरो हो गया एल का मान, जब एन का मान एक है। अब लिखते हैं एन का मान दो, तो आप देखेंगे कि एल का मान क्या होगा। अब यहां रखेंगे आप दो, तो दो में से एक गए एक आएगा। जब आप एन का मान दो ले रहे हैं तो एल का मान एक आ रहा है, लेकिन एक नहीं लिखेंगे, पिछले मान भी लेकर चलेंगे, क्योंकि वो कह रहा है एल का मान एल बराबर जीरो से लेकर एल बराबर एन माइनस वन तक होता है, माने पिछले मान भी आपने लिखने हैं। तो एक पर क्या आया था जीरो, दो पर एक आ रहा है, लेकिन पिछले मान भी लिखना था जीरो और एक, या चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो जीरो और एक नीचे पर। एन का मान यदि तीन है तो आप देखेंगे तीन रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, तीन में से एक दो आएगा, तो दो आएगा, लेकिन हमारे मान क्या होते हैं जीरो से लेकर, जैसे यहाँ देखिए ना एल बराबर जीरो से लेकर। अब आपने यहाँ तीन रखा, तीन में से एक दो, तो जीरो से दो, जीरो से दो का मतलब हो गया जीरो एक और दो। तो ये पहली कक्षा है, इसको मैं ऐसे देखिए वो कर देता हूँ, ये दूसरी कक्षा के मान है, ये तीसरी कक्षा के मान है, चौथी कक्षा के मान हम इधर निकाल लेते हैं। फिर से मैंने लिखा एन और एल, एन का मान यदि चार हो तो देखिए एल का मान कितना आएगा। अब आप यहां रखेंगे चार, चार में से एक तीन, तो जीरो से तीन, तो जीरो से तीन में कौन कौन माना जाएगा, जीरो आएगा, एक आएगा, दो आएगा और तीन आएगा। ऐसे ही एन का मान अगर आप पांच ले लेते हैं तो यहाँ पांच में से एक चार हो जाएगा, तो जीरो से चार, जीरो एक दो तीन चार, अर्थात एल के जो मान होते हैं वो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक होते हैं। इसका मतलब कि हमने पिछले मान भी लेकर चलने होते हैं। अब इन पॉइंटों पर आ जाइए कि कैसे ये उपकोष का ज्ञान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर कैसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका कौन से उपकोष में होगा, तो इसके लिए निर्धारित है कि यदि एल का मान जीरो है तो समझिए वो एस उपकोष है, ये देखिए एस है, तो ये पहली कक्षा का एस उपकोष हो गया। दूसरी में देखिए जीरो आ रहा है तो एस हो गया, और एक के लिए होता है पी, ऐसे ही देखिए फिर से ये एस हो गया और एक के लिए पी हो गया, दो के लिए होता है डी, ऐसे यहां पर देखिए जीरो के लिए एस, ये पी, ये डी और ये एफ। तो क्वांटम संख्या से कैसे किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष का पता चलेगा, अगर मान लीजिए एल का मान दो आ जाता है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में है, यदि मान लीजिए एल का मान तीन आ जाता है तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में है। तो इस प्रकार से दिगंसी क्वांटम संख्या की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन की उपकोष का ज्ञान कर सकते हैं। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, ये किसी कोष में उपकोषों की संख्या का भी ज्ञान कराती है, अर्थात किस कोष में कितने उपकोष संभव हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहली कक्षा में कितने उपकोष संभव है, केवल एस उपकोष, एक ही उपकोष संभव है। दूसरी कक्षा में कितने उपकोष संभव है, दो, एस और पी। तीसरी कक्षा में कितने उपकोष संभव है, तीन, एस पी डी। चौथी कक्षा में कितने संभव है, चार, एस पी डी एफ। इसलिए जिन बच्चों ने इससे थोड़ा आगे का सिलेबस पढ़ या सुन लिया होगा तो वो देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से आता है 1s, फिर 2 में 2s और 2p, तीसरे में spd आते हैं, चौथे में spdf चारों आते हैं, फिर पांचवी में चारों आएंगे, छठी में चारों आएंगे, सातवीं में चारों आएंगे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें किसी कक्षा में कितने उपकोष होंगे ये बात दिगंसी क्वांटम संख्या से पता चली है, और कोई इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में होगा ये बात भी दिगंसी क्वांटम संख्या से पता चली है। तो अब आपको यहाँ ये बातें क्लियर हो रही होंगी। और देखिए सीधी सी बात है, अगर पहली कक्षा तो एक ही उपकोष, दूसरी कक्षा तो दो उपकोष, तीसरी कक्षा तो तीन, चौथी चार, फिर आगे को चार, हर कक्षा में चार ही उपकोष संभव है अभी तक। तो इसी हम ये भी कह सकते हैं कि जब एन का मान एक है तो एल का एक ही मान आएगा, वो जीरो। एन का मान दो है तो एल के मान दो आएंगे, जीरो और एक। एन का मान यदि तीन है तो एल के तीन मान आएंगे, जीरो एक दो। ऐसे एन का मान चार है तो एल के चार मान आएंगे, क्योंकि चार उपकोष संभव है। तो इस प्रकार से दिगंसी क्वांटम संख्या में जो चार बिंदु है परिभाषा के, उनमें से दो बिंदु ये महत्वपूर्ण है शुरू वाले, और वो मैंने आपको लिखा भी दिए हैं और टेबल के माध्यम से समझा भी दिए हैं। तो यहाँ से हमें इन शॉर्ट अगर कहें, संक्षिप्त शब्दों में कहें, तो ये बात पता चल रही है कि ये संख्याएं हमें इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान कराती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, साथ ही ये हमें किसी कक्षा में कितने उपकोष संभव होंगे इन बात का भी ज्ञान कराती हैं, जो कि मैंने आपको करके बताया है। इनको आप नोट कर लें। इसके बाद हम दिगंसी क्वांटम संख्या के और क्या दो बिंदु पर परिभाषा दी जा सकती है वो भी अभी हम पढ़ेंगे। देखिए दिगंसी क्वांटम संख्या के जो दो और बिंदु हैं उनमें से एक है तीसरा बिंदु। देखिए इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से इलेक्ट्रॉन, चूंकि आपको पता है कि घूर्णन गति कर रहा है, तो घूर्णन गति करते किसी पिंड में कोणीय संवेग स्वाभाविक है, होता ही है।
तो आप इन क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वे क्वांटम संख्या है जिनके सहायता से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का ज्ञान होता है, क्योंकि देखिए कोणीय संवेग को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन टू पाई अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। इसका मतलब है एच प्लैंक है और ये दोनों भी आपको पता संख्याएं हैं। यहाँ जो स्मॉल एल है ये दिगंशी क्वांटम संख्या का मान है, जो कि अभी देखा हुआ आपने शुरू के दो बिंदुओं में हमने एल को एन की सहायता से कैसे ज्ञात किया था, वो एल का मान यहाँ पर डालकर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को ज्ञात कर सकते हैं इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे क्वांटम संख्याएं जो किसी कोष की आकृति का ज्ञान कराती हैं, आकृति अर्थात आकार का ज्ञान कराती है, मेन बात तो ये है आकार, आकृति की जगह आकार लिखिए, आकार का ज्ञान कराती है। कैसे? देखिए हमें अगर ये पता चल जाए कि पीयूष कोष में है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, और पीयूष कोष की आकृति होती है डंबलाकार, लेकिन वो जो डंबलाकार है वो डंबल भी कितने आकार का बनेगा, क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह होते हैं, बादल की तरह होते हैं, तो वो डंबलाकार आकृति जो है वो कितने शेप की बनेगी, कितने बड़े आकार की बनेगी या कितने छोटे आकार की बनेगी। जैसे मान लीजिए द्वि डंबलाकार है, डीप कोष में है मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन, तो वो जो द्वि डंबलाकार आकृति है वो उसका जो आकार होगा वो कितना बड़ा या छोटा होगा, इसका पता भी हमें इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से चल जाता है। तो देखिए चार महत्वपूर्ण बिंदुओं की सहायता से दिगंशी क्वांटम संख्या की परिभाषा को बताया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिए हैं। तो इस प्रकार से मुख्य और दिगंशी क्वांटम संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए मैंने आपके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा इन तीन बिंदुओं के आधार पर लिखी है, तो इनको जानते हैं क्या है। तो देखिए अब तक हमें स्टार्टिंग की दो क्वांटम संख्या अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है ये पता चल गया, दिगंशी से हमें इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है ये पता चल गया, अब बचा उपकोष में होते हैं परमाणु कक्षक, तो इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक में है अर्थात किस परमाणु ऑर्बिटल में है, कक्षक माने ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में है, जो ये हमें ज्ञान कराएंगी उन्हें हम बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। साथ ही ये संख्याएं हमें किसी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक ऑर्बिटल संभव होते हैं ये भी ज्ञान कराएंगे। देखिए जैसे एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, कक्षक माने जिसे हम बॉक्स कहते हैं, लेकिन पी उपकोष में तीन परमाणु कक्षक होते हैं, तीन बॉक्स होते हैं, डी में पांच परमाणु कक्षक ऑर्बिटल होते हैं, एफ में सात होते हैं, तो ये बात हमें कैसे पता चली कि पी में तीन परमाणु कक्षक होते हैं, डी में पांच होते हैं, एफ में सात होते हैं, तो ये इन्हीं क्वांटम संख्याओं की सहायता से पता चले, अर्थात वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक ऑर्बिटल का ज्ञान कराती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन उपकोष के भी किस परमाणु कक्षक में है उसका ज्ञान कराती है, उन्हें हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्या ज्ञान करा रही है, वे क्वांटम संख्याएं जो किसी उपकोष में परमाणु कक्षकों की संख्या का ज्ञान कराती है, अर्थात किसी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक संभव होते हैं, जो कि आप पहले से जानते भी हैं कि एस में एक होता है, पी में तीन होते हैं, डी में पांच होते हैं, एफ में सात परमाणु कक्षक होते हैं, तो वो भी इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से ही पता चलता है। और क्या बताती है भैया, वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु कक्षक के अभिविन्यास का ज्ञान कराती है। अभिविन्यास को मैं देखिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अभिविन्यास का मतलब होता है कि कोई परमाणु कक्षक त्रिविमीय तल में किस अक्ष के अनुदिश बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इन परमाणु कक्षकों की जो आकृतियां होती हैं, जो ज्यामिति हैं, वो 3D हैं, त्रिविमीय ज्यामिति हैं। तो जैसे पी कोष में तीन परमाणु कक्षक होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, तो वो तीनों परमाणु कक्षक भी, तीनों में भी कौन एक्स अक्ष के अनुदिश बना है क्या, वाई के अनुदिश बना है क्या, जेड अक्ष के अनुदिश बना है क्या, है क्या, तो अभिविन्यास इस बात को कहते हैं। तो वो इन्हीं क्वांटम संख्याओं की सहायता से पता चलेगा कि परमाणु कक्षक किस अक्ष के अनुदिश बना हुआ है, अर्थात ये क्वांटम संख्याएं हमें परमाणु कक्षक के अभिविन्यास का भी ज्ञान कराएंगी। तो फिर से हम इन तीन बिंदुओं की बात करते हैं, माने वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक ऑर्बिटल का ज्ञान कराती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक में है। दूसरा बिंदु, ये क्वांटम संख्याएं किसी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक हो सकते हैं इसका ज्ञान कराती है, साथ ही वो परमाणु कक्षक त्रिविमीय तल में किस अक्ष के अनुदिश बना हुआ है अर्थात उसके अभिविन्यास का ज्ञान कराती है, उन्हें हम चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इन्हें स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, फिर
से वही बात है। अगर हम इनकी मान निकालने की बात करें तो इन क्वांटम संख्या का मान अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दिगंसी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। अर्थात इसका सीधा मतलब यह है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास दिगंसी क्वांटम संख्या का मान हो, अन्यथा आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। और इसके मान होते क्या है, देखिए माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, अर्थात जो एल का मान होगा उसके माइनस से प्लस तक इसके मान होंगे। और कितने मान होंगे तो उसके लिए वे इनके मानों की संख्या m बराबर 2l प्लस 1 होती है। अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने आएंगे वो बात यहाँ से पता चलेगी इस फॉर्मूले से, और वो मान होंगे क्या वो यहाँ से पता चलेगी, माइनस एल से प्लस एल तक होंगे। वो मैं आपको इस पॉइंट के बाद करके भी बताने वाला हूँ, लेकिन आप एक बार देखिए थोड़ा सा हम दिगंसी क्वांटम संख्या से इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। तो दिगंसी हमें क्या बता रही थी, उपकोष के बारे में, और किसी कोष में कितने उपकोष होंगे इस बारे में। अब ये क्या बता रही है, परमाणु कक्षक के बारे में, और उपकोष में कितने परमाणु कक्षक होंगे। तो चलिए खैर मैं पहले चारों क्वांटम संख्या पढ़ने के बाद इस पॉइंट को और ज्यादा डिटेल में बता दूंगा इनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम जानते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि कैसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा n, l, m, क्यों लिखा है भाई मैंने n और l, m के मान, जबकि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि इसका मान इस पर डिपेंड करता है और इसका मान इस पर डिपेंड करता है, तो इसके मान तभी आएंगे जब ये पता हो और इसका मान तब आएगा जब ये पता हो, इसलिए हमें ये लिखने पड़े। इसका फॉर्मूला आपको बताया कि एल बराबर जीरो से एन माइनस वन होता है, और इसके जो मान होते हैं वो माइनस एल से प्लस एल होते हैं, अभी हमने जो लिखा था। और जो मान की संख्या आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगी, कितने मान आने चाहिए 12 प्लस 1 से। तो आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि n का मान कितना होता है, एक से स्टार्ट होता है, n का मान एक है, तो l का मान इस फॉर्मूले में रखें तो एक माइनस एक जीरो, जीरो से जीरो माने जीरो ही होगा। एम का मान जो होगा वो इसके माइनस से प्लस तक होगा, तो माइनस से प्लस कराओगे तो माइनस जीरो से प्लस जीरो जाओगे तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक संख्या रेखा होती है तो उसमें जीरो होता है, इधर को मान प्लस में होते हैं, इधर मान माइनस में होते हैं, ऐसे। तो जीरो ही होता है, माइनस जीरो प्लस जीरो तो कुछ नहीं होता, तो जीरो। अब इस फॉर्मूले का क्या काम है भाई, इसका काम केवल इतना है कि मान आएंगे कितने ये पता लगाना। तो जैसे एम का मान, एल का मान जीरो था, तो आप एल का मान यहाँ जीरो रखें तो ये हो जाएगा दो गुना जीरो प्लस एक, ये तो जीरो हो गया एक। एम का मान एक आया तो ये एक मान नहीं है, मतलब एम का मान एक नहीं है, इसका मतलब है कि एम का एक मान आना चाहिए, और एक मान क्या है वो जीरो, ये कोई एक ही मान तो है, एक ही वैल्यू तो है। अगले उससे समझिए, एम का मान दो है तो एल का मान कैसे आएगा, आप यहां लिखेंगे दो माइनस एक एक, तो जीरो से एक, अर्थात जीरो भी लेंगे और एक भी लेंगे। L का मान जीरो से M का मान निकालना है, तो M का जो मान होता है L के माइनस से प्लस तक होता है, तो जीरो में मैंने अभी बता दिया माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है, एक से आपको समझ में आएगा। अब L का मान एक है तो M के मान के लिए क्या करेंगे, माइनस एक से प्लस एक, ये हो गया ना, तो यहाँ देखो माइनस एक से प्लस एक, आप तो L की जगह एक लिख दो, तो माइनस एक से प्लस एक, तो माइनस एक ये रहा, से प्लस एक जाएंगे तो बीच में जीरो आ रहा था, माइनस एक जीरो प्लस एक, ऐसे। अगर आप ले लें एन का मान, अब देखिए हाँ इस फॉर्मूले से हम क्या पता कर पाएंगे, देखिए एल का मान एक था तो आप अगर यहाँ एक लिखेंगे तो दो गुणा एक प्लस एक, तो दो एकम दो और एक तीन, तो एम के तीन मान होने चाहिए। एम बराबर तीन का मतलब ये नहीं कि एम का मान तीन होगा, एम के तीन मान होने चाहिए, और देखिए तीन मान है एक रखने पर, एक दो तीन, ऐसे तो तीन मान ही आ रहे हैं। अगर हम एन का मान तीन ले लें, तो मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ये पहली कक्षा हो गई आपकी, यहां तक ये दूसरी हो गई है, फिर तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ तीन रखेंगे तो तीन में से एक दो, तो जीरो से दो, तो जीरो से दो का मतलब हो गया जीरो एक, तो ये हो गया दो, संख्या रेखा को हम ऐसे रफ कर दे तो पता ही हमें, तो जीरो पर तो जीरो ही आ रहा है, एक पर आ रहा है माइनस एक जीरो, वैसे दो पर कितना आएगा भाई,
तो आप यहाँ देखिए माइनस एल से प्लस एल है, तो आप एल का मान दो है तो यहाँ रखेंगे माइनस दो से प्लस दो, तो माइनस दो से प्लस दो में माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो, क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस दो से प्लस दो जाएंगे तो ऐसे ही तो आएंगे ना, बीच में माइनस एक भी आएगा जीरो भी आएगा प्लस एक भी आएगा प्लस दो भी आएगा। तो अब आप यहां रख के देख लीजिए कि दो का मान रखें, अगर हम एल का मान दो रखें तो दो गुणा दो प्लस एक, दो दूनी चार और एक पांच, तो एम के पांच मान होने चाहिए, एम बराबर पांच का मतलब पांच मान होने चाहिए। तो देखिए दो रखने पर पांच मान आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं भाई, इनसे कैसे परमाणु कक्षक पता चल रहा है। मैं इस साइड को देखिए रफ कर देता हूं, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। आप देखेंगे अगर एल का मान जीरो था तो एस उपकोष था ही, एस पी ये हो गया था एस पी और डी, भाई एम का मान चार ले लेंगे तो एफ भी आ जाएगा, पहले आप इतना ही देख लीजिए। तो एम का मान जीरो है तो इसलिए जीरो है क्योंकि एस उपकोष में कितने बॉक्स बनते हैं, केवल एक, अर्थात एक ही परमाणु कक्षक, एक ही परमाणु ऑर्बिटल संभव है। तो यहां फिर से देखिए जीरो है तो इस जीरो के लिए भी एक ही बॉक्स संभव है क्योंकि एस उपकोष में तो एक ही परमाणु कक्षक होता है। अब आप देखेंगे कि ये पी उपकोष है और एक के लिए ये तीन मान आए हैं, अर्थात पी उपकोष में तीन परमाणु कक्षक होते हैं और वो तीन परमाणु कक्षक ऐसे होते हैं, इसलिए एक दो तीन, उसमें इसका मान माइनस एक जीरो और प्लस एक। ऐसे आप देखें तो एस में तो एक ही बनेगा तो एक ही मान आ रहा है, पी में तीन बनी गए थे माइनस वन जीरो प्लस वन, ये तीन मान, और डी का दो के लिए क्या होता है डीप कोस, और इसके लिए कितने मान आए हैं पांच, इसलिए डीप कोस में पांच परमाणु कक्षक होते हैं, एक दो तीन चार और पांच, जिनके मान माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो होते हैं। ऐसे ही मैं इसके बाद F भी बताऊंगा आपको, पहले आप ये देखिए। तो अभी दिगंशी क्वांटम संख्या के मान से आप चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कर रहे हैं, और अभी आपने चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा में लिखा हुआ है कि इन क्वांटम संख्याओं की सहायता से आपको परमाणु कक्षक का ज्ञान होता है, और साथ में ये भी ज्ञान होता है कि किस उपकोष में कितने परमाणु कक्षक संभव है। तो आपको दिख भी रहा होगा, आप देखेंगे कि S में एक ही परमाणु कक्षक होता है क्योंकि जीरो के लिए इसका मान जीरो है, एक ही मान है तो एक ही परमाणु कक्षक। वो दोबारा से देखिए लिखा है, पी उपकोष के लिए अर्थात L एक के लिए पी उपकोष है, और पी उपकोष के लिए इसके कितने मान आए हैं तीन, इसका मतलब पी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक होते हैं, कितने परमाणु ऑर्बिटल होते हैं तीन, माइनस वन जीरो प्लस वन, जिनको हम ज्योमेट्री के हिसाब से क्या बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। फिर से ये देखिए वही आए हैं एस पी, लेकिन यहाँ पर जब एल का मान दो है तो एम के मान आए हैं पांच, एक दो तीन चार पांच, इसलिए डी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक होते हैं पांच, इनके नाम आपको पता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, क्वांटम संख्याओं के बाद ही ये कन्फर्म हुआ था कि किसी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक संभव है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो मैंने परमाणु ऑर्बिटल वाला लेक्चर पहले आपको बता दिया था कि परमाणु कक्षक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी ज्यामिति मैंने आपको बना के बता दी थी। अब आपको शायद समझ अच्छे से आ रहा होगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की सहायता से हमें किस प्रकार से ये पता चल सकता है कि किसी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक अर्थात कितने परमाणु ऑर्बिटल संभव होते हैं, जो ऐसे बता देते हैं ना टीचर्स और स्टूडेंट ऐसा सुन और समझ लेते हैं और कोई पता नहीं कारण जानने की कोशिश ही नहीं करते, कि एस उपकोष में एक खाना होता है अर्थात एक परमाणु कक्षक होता है, पी उपकोष में तीन परमाणु कक्षक होते हैं तीन खाने होते हैं तीन ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इसके लिए एल के एक मान के लिए एल बराबर एक के लिए एम के तीन मान होते हैं माइनस वन जीरो प्लस वन, इसलिए तीन परमाणु कक्षक बनेंगे क्योंकि एक का मतलब एल एक का मतलब पी उपकोष होना, एल दो का मतलब डी उपकोष होना, और L2 के लिए M के कितने मान आ रहे हैं पांच, तो इसलिए D उपकोष में पांच खाने बनते हैं पांच परमाणु कक्षक अर्थात पांच परमाणु ऑर्बिटल होते हैं। अभी देखिए F रह गया है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर मैं अभी N का मान तीन तक ही आया हूं, अगर N का मान चार हो जाए तब अभी करते हैं। तो आपको समझ में आ रही है ये बात, अगर आप चुंबकीय क्वांटम संख्या की सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक का ज्ञान करना चाहते हैं तो आपको पहले उपकोष का ज्ञान होगा, तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है,
और m का मान माइनस वन है या प्लस वन है, तब बताइए वो किस परमाणु कक्षक में है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्यूब कोस की बात कर रहे हैं, तो प्यूब कोस में भी तीन परमाणु कक्षक संभव होते हैं, माइनस वन, जीरो, प्लस वन। और अगर वो प्लस वन मान दे रहे हैं तो हम कह देंगे कि प्यूब कोस के भी तीसरे परमाणु कक्षक में होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ज्ञान हो रहा है। बात कर रहे हैं हम n इक्वल टू तीन तक, अब हम n इक्वल टू चार के लिए करते हैं जिससे हमारा एफ ऑफ कोस आ जाए, उसमें भी देखते हैं कितने परमाणु कक्षक। देखिए n इक्वल टू अगर चार हो तो कैसे भाई, चार आप यहाँ रखेंगे एल के मान के लिए, चार में से एक तीन, तो जीरो से तीन अर्थात जीरो, एक, दो और ये तीन। भाई एल का मान जीरो है तो वही माइनस जीरो से प्लस जीरो, तो जीरो ही होता है। एक के लिए माइनस एक से प्लस एक, माने माइनस एक, जीरो, प्लस एक। दो के लिए माइनस दो, माइनस दो से प्लस दो, तो माइनस दो, इधर लिख देता हूँ, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो। इसको भी ऐसे लिख देते हैं सामने। तीन के लिए क्या हो जाएगा भाई, एल का मान तीन है तो यहां रखेंगे माइनस तीन से प्लस तीन, तो ये हो जाएगा माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन। तो सात मान आएंगे क्योंकि मानों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, एम इक्वल टू ट्वेल्व प्लस वन। यहां तक तो मैंने करके बता ही दिया था। तो तीन रखेंगे तो दो तिया छ और एक सात, सात मान होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, तो सात मान आ रहे हैं। देखिए तो यहां तक के तो मैंने बना ही दिए थे भाई, इसमें एक बॉक्स बनना है, इसमें ऐसे तीन बनना है, इसमें पांच बन रहे हैं। देखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, मतलब सीरियल से भी आ रहा है। और तीन मान है तो सात आ रहे हैं, तो इसका मतलब एफ ऑफ कोस में कितने परमाणु कक्षक संभव होते हैं, सात, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। माइनस तीन पहला बॉक्स, माइनस दो दूसरा, माइनस एक, फिर ऐसे ऐसे करके सात। तो एफ कोस में क्योंकि एल का मान अगर जीरो है तो एस होता है, एक है तो पी होता है, दो है तो डी होता है और तीन है तो एफ होता है। तो एल का मान तीन है तो एफ कोस हो गया, और इसके तीन मानों के लिए एम के मान आ रहे हैं सात। इसका मतलब हुआ कि एफ कोस में सात परमाणु कक्षक अर्थात सात परमाणु ऑर्बिटल संभव होते हैं। क्वांटम संख्याओं से पता चला था कि एस ऑफ कोस में एक खाना अर्थात एक ऑर्बिटल, पी में तीन खाने अर्थात तीन परमाणु ऑर्बिटल, डी में पांच परमाणु ऑर्बिटल और एफ में सात परमाणु ऑर्बिटल परमाणु कक्षक होते हैं। ऑर्बिटल माने कक्षक होता है, ऑर्बिटल इंग्लिश का शब्द है, कक्षक हिंदी का शब्द है, मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करता हूँ। तो आप देखेंगे इस प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या के दो बिंदु हो जाते हैं। तीसरा बिंदु ये था कि इनकी सहायता से किसी ऑर्बिटल के, किसी परमाणु कक्षक के अभिविन्यास का पता चलता है। वो ऐसे चल जाता है, देखिए माइनस एक है तो पी एक्स होगा, जीरो है तो पी वाई होगा, प्लस वन है तो पी जेड होगा। इसका मतलब अगर एम का मान माइनस एक है तो पी कोस का एक्स अक्ष के अनुदिश डंबलाकार आकृति बनेगी, अगर उसका जीरो मान है तो पी वाई, तो ऐसे करके जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, तो इनके मान से माइनस दो है तो भाई हम कह देंगे कि वो एक्स वाई अक्ष के बीच में बन रहा होगा द्वि डंबल। तो इस प्रकार से तीसरा बिंदु भी परिभाषित होता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की सहायता से आप किसी परमाणु कक्षक अर्थात ऑर्बिटल का अभिविन्यास अर्थात वो किस अक्ष के अनुदिश उसकी आकृति बनी हुई है ये भी पता कर सकते हैं। तो आपको देखिए मैंने चुंबकीय क्वांटम संख्या बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है और महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या है। तो आपको इस प्रकार से तीनों क्वांटम संख्याएं समझ में आ गई होंगी, इनको श्रोडिंगर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी क्वांटम संख्या की, जो कि मैंने पहले भी कहा कि इसको बाद में जोड़ा गया था इन क्वांटम संख्याओं के साथ। तो बात करते हैं चौथी चक्रण क्वांटम संख्या की, बात करते हैं चौथी क्वांटम संख्या की जिसको हम इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और स्मॉल एस से इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए होता क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों कक्षा में तो गति करता ही है, अर्थात उसकी वो गति कक्षीय गति, लेकिन वो कक्षा में गति करने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमता है। कुछ इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज घड़ी की स्विंग की दिशा में, और कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, वामावर्त दिशा बोलते हैं। तो इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर घूमते हुए दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति, अक्षीय गति। कक्षीय गति कहते हैं जब वो कक्षा में घूम रहा होता है, अक्षीय गति कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही अक्ष पर क्लॉकवाइज
या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों गति। भाई पृथ्वी 365 दिन में पूरा एक चक्कर करती है, तो वो तो है कक्षीय गति, और जब पृथ्वी दिन रात जो होते हैं 24 घंटे में, तो वो अपनी अक्ष पर भी घूम रही होती है, अर्थात वो ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ती है। देखिए मैं बताता हूँ, ये नाभिक हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस टाइप से घूमता हुआ जा रहा है, कक्षा में भी घूम रहा है अपनी अक्ष पर भी। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, कक्षा में तो घूम ही रहा है लेकिन वो इस टाइप से घूमता हुआ जा रहा है उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम उस घूर्णन अपनी अक्ष पर जो घूम रहा है उससे दो दिशाएं संभव हुई, एक दिशा होगी दक्षिणावर्त और एक दिशा हुई वामावर्त, इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस प्रकार की दिशा का जो ज्ञान कराएंगी जो क्वांटम संख्याएं कि आपका इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूम रहा है कि वामावर्त घूम रहा है, उन क्वांटम संख्याओं को हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्याएं। तो देखिए क्या लिखा है, वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर परिक्रमण की दिशा का ज्ञान कराती हैं उन्हें हम चक्रण क्वांटम कहते हैं। माने अपनी अक्ष पर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी दिशा का, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है अर्थात दक्षिणावर्त घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वामावर्त घूम रहा है, इस बात का जो ज्ञान कराती है उन्हें हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इनका जो मान है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर डिपेंड करेगा, अर्थात अपने से पहले वाले पर। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वांटम संख्या अपने पहले वाली क्वांटम संख्या से पर निर्भर करती है, जब तक उससे पहले वाली क्वांटम संख्या का मान नहीं पता होगा तो फिर उस क्वांटम संख्या का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें लिखा, इनका मान चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक एम के लिए, माने एक चुंबकीय क्वांटम संख्या के एक मान के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के अर्थात एस के दो मान होते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब है दक्षिणावर्त अगर घूर्णन हो रहा है तो प्लस हाफ से प्रदर्शित करेंगे, और माइनस हाफ अगर वामावर्त घूर्णन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसे माइनस हाफ से प्रदर्शित करेंगे। और इनको दर्शाने के लिए प्लस हाफ को तो हम इलेक्ट्रॉन की दिशा को तीर को ऊपर करके दिखाते हैं, और माइनस हाफ को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन की दिशा को हम नीचे की तरफ को तीर लगाते हैं। इस प्रकार से प्रदर्शित करने का तरीका, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ये लिखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार के घूर्णन होते हैं। क्या लिखा, देखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दो प्रकार का परिक्रमण कर सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की दिशा भी कहते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो जो इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष पर घूमने की दिशा का, कि वो दक्षिणावर्त में घूम रहा है कि वामावर्त में घूम रहा है, इस दिशा का ज्ञान कराती है, ऐसी संख्याओं को हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। और प्रत्येक चुंबकीय क्वांटम संख्या के प्रत्येक मान के लिए इस चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान होते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। प्लस हाफ बता रहा होता है दक्षिणावर्त घूर्णन, और माइनस हाफ बता रहा होता है वामावर्त घूर्णन। प्लस हाफ वाली दिशा को हम तीर को ऊपर लगाते हैं, और माइनस हाफ को दर्शाने के लिए, दिशा को दर्शाने के लिए हम तीर को नीचे की तरफ करके बताते हैं, और एक टेबल के माध्यम से अब चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं को हम बनाते हैं। देखिए तीन, इससे पहले की तीन क्वांटम संख्याओं का चार्ट तो मैंने आपको इजीली अब आपको बनाना आ गया होगा, मैं डायरेक्टली देखिए बना रहा हूँ। एन का मान एक है तो एल का मान जीरो था, एम का मान जीरो। अब बस इतना करना है, बहुत ईजी है। एस के मान के लिए देखिए एम का एक मान है, ये जीरो, इसके लिए दो मान होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसे। अगर अब आपको पता ही है एसोकोस है, और एसोकोस में एक बॉक्स बनता है, तो उस बॉक्स में कैसे दर्शाएंगे, प्लस हाफ का मतलब है कि ऊपर को दर्शाना, और माइनस हाफ का मतलब है नीचे दर्शाना। अभी मैंने हाफ हेडेड एरो इसलिए बना दिया क्योंकि जल्दी जल्दी दर्शाने के लिए हम पूरा तीर नहीं बनाते, इसलिए आधे तीर का निशान बना दिया जाता है। तो प्लस हाफ का मतलब ऊपर को है, और माइनस हाफ का मतलब नीचे। अब मान लीजिए एन का मान दो हो जाता है, तो एल का मान क्या हो जाएगा, जीरो और एक। जीरो के लिए एस, एक के लिए पी। इसमें आपको पता है ये जीरो होगा एन का मान, एक के लिए माइनस एक, जीरो से, अर्थात इसमें एक बॉक्स बनेगा। अब इसमें देखिए, इसके लिए तो दो मान हो गए, प्लस हाफ माइनस हाफ। एक के लिए माइनस एक, जीरो प्लस एक के लिए फिर वही प्लस हाफ माइनस हाफ। क्यों, क्योंकि प्रत्येक एम के लिए एस के दो मान होंगे, तो माइनस एक के लिए भी दो मान होंगे, इस जीरो के लिए भी दो मान होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ होंगे, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर n का मान तीन हो जाए तो फिर वही जीरो, एक और दो। जीरो के लिए तो जीरो ही होता है, एक के लिए माइनस एक, जीरो प्लस एक। दो के लिए माइनस दो, माइनस एक, जीरो प्लस एक और प्लस दो। इसके लिए भी दो मान, इसके लिए भी भाई दो मान,
अब इससे देखिए एक चीज की और पुष्टि होती है, क्या देखिए पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संभव होते हैं, दो। कैसे, जब दो दिशा लगी हैं तो दो इलेक्ट्रॉन की ही तो लगी हैं, तो पहली कक्षा में देखिए दो इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संभव है वो आप देखिए कितनी दिशाएं लगी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दिशा लगी हैं तो आठ इलेक्ट्रॉनों की होंगी। तो इससे मतलब होता है कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संभव है, आठ संभव है। तीसरी की बात करें तो आप देखेंगे ये मान लीजिए इससे दोने इलेक्ट्रॉनों की दिशा होंगी, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ मान है। तो एम के एक मान के लिए एस के दो मान होते हैं, तो ये नौ मान है तो नौ दूनी अठारह, अठारह दिशाएं आएंगी अर्थात अठारह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तीसरी कक्षा में अठारह इलेक्ट्रॉन। अगर हम एन इक्वल टू चार की बात करें तो मान आएंगे जीरो एक दो तीन, तीन के लिए सात मान और बढ़ जाएंगे, तो देखिए नौ ये है और नौ और सात हो जाएंगे सोलह, तो 16 एम के मान हो रहे हैं, उनसे दुगने मान एस के होंगे तो 16 दुनी 32, इसलिए कहते हैं कि चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन संभव है। तो 2, 8, 18, 32 ऐसे तो होता था, वो तो उस नियम की भी पुष्टि हो रही है जो बोरवरी ने दिया था कि किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² होती है, तो उस हिसाब से भी देखिए बिल्कुल ठीक बैठ रहा। बाकी आप इसको दर्शाना चाहते हैं तो जैसे पी है तो पी में आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जिनकी क्लॉकवाइज है माने प्लस हाफ है वो ऊपर को और जिनकी माइनस हाफ है वो नीचे को। वैसे मैं आपको बता दूं कि परमाणु उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अर्थात परमाणु कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण नियम है हुंडगा नियम जो इसके बाद आएगा, चलिए खैर उसकी बात तो बाद में करेंगे। तो आप इस प्रकार से चक्रण क्वांटम संख्या को समझ गए होंगे कि प्रत्येक एम के लिए एस के दो मान होने हैं प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये पूरा मैंने आपको चारों क्वांटम संख्याएं बहुत अच्छे से डिटेल से बताई हैं और हर बार इनको चार्ट बनाया है हर क्वांटम संख्या में और परिभाषा को बिंदु वाइज बताया है, तो आपको ये निश्चित ही समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी पर जरूर नोट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ देखिए इस बात को। इसके बाद में एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में चारों क्वांटम संख्याओं को बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरा ओवरऑल ये पूरा लेक्चर दो तीन लाइनों में एक कंक्लूजन एक निष्कर्ष पर आप पहुँच पाए। देखिए चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ने के बाद अगर हम संक्षिप्त शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझिए कि किसी परमाणु में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं, कक्षा में होते हैं उपकोष और उपकोष में होते हैं परमाणु कक्षक जिन्हें आप ऑर्बिटल भी बोलते हैं, जिन्हें आप बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए कक्षा तो होती है एक दो तीन इस टाइप से जिन्हें आप के एल एम एन भी कहते हो। तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है इसका जो ज्ञान करा है उसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं अर्थात एन कक्षा को बताती है। जब आपको इलेक्ट्रॉन की कक्षा का पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है ये पता करने के लिए बताती है द्विगंसी क्वांटम संख्या, जिसे आप एल से प्रदर्शित करते हैं। उपकोष माने एस में है पी में है डी में है या एफ में है। अब आपको बताया कि एस उपकोष में तो चलिए एक बॉक्स होता है, पी में तीन होते हैं, डी में एफ, डी में पांच होते हैं, एफ में सब। तो इन उपकोषों में कितने परमाणु कक्षक हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन जब आपको उपकोष का पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक में होगा इस बात का जो ज्ञान करा है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, जिस पर मैंने बहुत डिटेल में बात की। तो जैसे एस में एक बॉक्स है, पी में तीन है, डी में पांच है, एफ में सात है। तो किस उपकोष में कितने परमाणु कक्षक हैं और इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक में इस बात का जो ज्ञान करा है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और एक चौथी होती है फिर दिशा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब हमें ये पता चल गया कि इस परमाणु कक्षक में है तो फिर उसकी दिशा कैसी है, वो दक्षिणावर्त घूम रहा है अपने अक्ष पर के वामावर्त घूम रहा है, इस बात का जो ज्ञान करा है उसे चौथी क्वांटम संख्या जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे बहुत डिटेल में मैंने देखी, साथ में यही बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान, किसी कक्षा की ऊर्जा और किसी कक्षा की त्रिज्या अर्थात आकार का ज्ञान कराती है। द्विगंसी क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष का या किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं, जैसे देखिए पहले में एक ही होता है
दूसरे में एस और पी दोनों होते हैं, तीसरे में एस पी डी तीनों होते हैं, चौथे में एस पी डी एफ चारों होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है या किस कोष में कितने उपकोष होते हैं इस बात का ज्ञान कराती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन किस परमाणु कक्षक में है और किस उपकोष में कितने परमाणु कक्षक हो सकते हैं इस बात का ज्ञान कराती है। इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर गति करते हुए दिशा क्या है, बामावर्त है दक्षिणावर्त है, इस बात का जो ज्ञान कराती है उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लेक्चर क्वांटम संख्याओं के आधार पर बेस है, आपको क्वांटम संख्याएं समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने जो क्वेश्चन है मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन डाउट को सॉल्यूशन में बता सकता हूं या बता पाऊं। एक जो हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वो इजी अब टॉपिक रह जाएंगे, वैसे तो क्वांटम संख्या भी देखिए एक इजी टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि इन जो ये कक्षा में कितने उपकोष संभव हैं, इन उपकोषों की ऊर्जा का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ने वाले हैं। अर्थात जैसे पहली कक्षा में एस उपकोष है, दूसरी में एस और पी है, तीसरी में एस पी डी तीनों हैं, चौथी में चारों हैं, तो इन उपसंभव जो कक्षा में उपकोष हैं उनकी ऊर्जा किसकी ज़्यादा और किसकी कम होती है ये हम अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे, जो हमने जैसे कक्षा 10 में पढ़ा था ना 2, 8, 18 वाला, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रॉनों को कक्षा और कोषों में व्यवस्थित करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कक्षा कोषों की ऊर्जा का तुलनात्मक अध्ययन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इन पुराने लेक्चर अर्थात क्वांटम संख्या और इससे पहले के लेक्चर को बहुत बारीकी से देखते रहिए, अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाएं जिससे कि आपको अन्य लेक्चर या अन्य टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो।